70 लाख है कि 90 लाख है, बोर्ड लगाया जाए, नहीं होगा तो किडनी बेच के भी खरीदा जाएगा। बीपीएससी में खेल चल रहा है दो स्तर पे, जो धोखाधोखी में छूट गया था उससे वसूली पहले हो गया था, वही 15 है। 67 पीटी की परीक्षा री ली गई थी, इससे पहले जब 67 की परीक्षा हुई थी तो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, लेकिन अब जिस तरह से 67 पीटी की रिजल्ट आई है इसको लेकर के छात्र लगातार यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पहुँचे हैं, उससे पहले प्रशासन भी यहाँ मौजूद हैं गेट के सामने अब देख सकते हैं, ताकि छात्र अगर उग्र हों तो उस पर काबू किया जा सके। लेकिन जिस तरह से छात्र आज पहुँचे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि जब लगातार आंदोलन छात्र कर रहे थे तो 15 छात्र को फिर से जो है पीडीएफ लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, उन्हें पास कर दिया गया है। एक क्वेश्चन का आंसर बदलने के बाद 5 छात्र को शामिल किया गया, लेकिन छात्र फिर भी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं और आज फिर से यहाँ पे पहुँचे हैं धरना प्रदर्शन करने। लगातार यहाँ पे हल्ला बोल कर रहे हैं, आयोग से मांग भी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, फिर से पहुँचे हैं अब तो, फिर से जो है 15 छात्रों का रिजल्ट दिया उसके बावजूद आप लोग पहुँचे हैं। टोटल 6 लाख के अप्रोक्स एप्लीकेंट्स थे। 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, गौर से सुनिएगा, 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 4.5 लाख लोग अपीयर हुए थे, ठीक है। पेपर कैंसिल हुआ, रीशेड्यूल हुआ, उस समय जो अटेंडेंस की संख्या थी 3.52, 3,52,000, यानी 1 लाख एप्लीकेंट वहीं पे कम हो गए। इससे आप समझ सकते हैं क्या क्यों कम हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम को फेयर वे से तो करवाया गया, दो दो बार प्रोटेस्ट हुआ, दो फेज के जगह परसेंटाइल सब बैक होना पड़ा, सब कुछ हुआ, बट अंदर में 3-5 किया गया। ये जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है ना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो ऑलरेडी डीएसपी है, वो एसडीएम बनने के लिए अटेम्प्ट लिया था, उसका प्री नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी ब्लॉक में सीईओ है उसका प्री नहीं हुआ है। कहना क्या चाह रहे हैं आयोग से, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए कि कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड चला ही गया है, बट 8 क्वेश्चन के आंसर्स बदल, मतलब जो डाउटफुल हैं, जो जेन्युइन सोर्स के थ्रू बीपीएससी गलत कह रही है, उस चीज को माइनस करके वापस उसमें ऐड किया जाए। दिलीप भैया पहले भी बता चुके हैं कि भाई 10-12 हज़ार लोगों को और ऐड करो, उन लोगों को ही बैठने दो मेंस में, अगर आपको मेंस टाइम से लेना है तो, ठीक है जी। देखिए और भी छात्र हैं, फिर से आप लोग पहुंचे हैं लगातार, जबकि 15 स्टूडेंट को फिर से शामिल किया गया है रिजल्ट भी जो है कर रहा है। क्या क्या बोले? 15 स्टूडेंट को फिर से पीडीएफ में शामिल किया गया। वो 15 ऐसा है जो धोखाधोखी में छूट गया था, उससे वसूली पहले हो गया था, वही 15 है जो 20-25 लाख पहले दे चुके थे, धोखाधोखी में कहीं से छूट गए होंगे। वही बिहार का इतना बड़ा एग्जाम हो बीपीएससी, उसमें इस तरह की धांधली, कैसे बड़ा सा एग्जाम जी, कौन सा आयोग 150 क्वेश्चन सही ढंग से सेट नहीं कर पा रहा था, कैसा एक्सपर्ट टीम, कैसा बड़ा आयोग, कुछ नहीं है, ये बेईमानों की मंडी है। 25-50 लाख लेके आइए, एसडीएम डीएसपी बन के जाइए, ये कोई बड़ा आयोग नहीं है। 70 लाख अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, पता नहीं उसका सही ऑडियो है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कह रहे थे कि 70 लाख में सीट बिकता है। अच्छा, हाँ 70 लाख में सीट बिकती है बीपीएससी में। अच्छा, वो भी अगर 70 लाख है कि 90 लाख है, बोर्ड लगाया जाए, नहीं होगा तो किडनी बेच के भी खरीदा जाएगा, ओपन मंडी लगाया जाए। योग्यता कोई मायने नहीं रखती है। नहीं है मायने, अगर योग्यता का मायने होता तो बीपीएससी का एक्सपर्ट टीम ऐसा होगा। बीपीएससी का एक्सपर्ट टीम कैसा है कि अभी एक पीडीएफ जारी किया गया है, वो जीता जागता सबूत है कि एक्सपर्ट टीम कैसा है। उसमें साक्षात लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों में असमानता है, कोई असमानता नहीं है। 10 बार पढ़े हमको तो कोई असमानता नहीं नजर आया। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में असमानता है, हाँ, सेट क्यों करते हैं इस तरह? नहीं है कोई असमानता, दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से इंग्लिश वाले में उसका आंसर होना चाहिए यशवंत, हिंदी वाले में होना चाहिए यशवंत सिन्हा, और इंग्लिश वाले में ऑप्शन ई होना चाहिए। तो पहला तो आयोग को चाहिए कि पहले ऑप्शन ई का खेला हटा दे, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन ई अपना लेता है। बीपीएससी में खेल चल रहा है दो स्तर पे, एक तो पैसा लेके किया जाता है और दूसरा ऑप्शन ई जो लाया गया है उसके माध्यम से करवाई जा रही है। ये जो बीपीएससी आयोग एक बहुत करप्ट आयोग बन चुकी है, 108 नंबर लाने के बावजूद भी बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, एक एक यूट्यूब पे वायरल हो रहा वीडियो, क्या क्या आपस में हो रहा है। ऑप्शन ई लाया गया है ताकि इसके माध्यम से लोगों को एंट्री दी जाए। दूसरी बात, जब आप ई ऑप्शन दे के 15 रिजल्ट लिए हैं तो फिर जिसका 113 पे सिलेक्शन लिया उसको माइनस कीजिए। तीसरी बात, अगर आप जब निगेटिव लाने जा रहे हैं तो ऑप्शन ई किस बात का, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में किसी भी जगह ऑप्शन ई का कोई चक्कर नहीं है जब निगेटिव मार्किंग है, तो आप ऑप्शन ई को हटाइए तब निगेटिव लाना है तो ठीक।
दो डिमांड है मेरा, एक तो ऑप्शन ई हटाइए और दूसरा रिजल्ट कम कीजिए ताकि नए बच्चों का उसमें जो वर्तमान में जो रिजल्ट आया है इसको लेकर के क्या कुछ कर? हाँ तो वही तो कहना, कट ऑफ कम कीजिए ताकि फिर से जो ऑथेंटिक बच्चे हैं वो अंदर जा सके। बहुत धांधली चल रहा है इसी वजह से इतना कट ऑफ गया। योग्य बच्चे अभी इसमें नहीं, बहुत कम ही बच्चे इसमें, सब जोगाड़ वाला सब आया, सब जोगाड़ वाला सब आया। अरे भाई मुखर्जी नगर में जो बड़े बड़े टीचर बैठे हुए, राजेंद्र नगर में, पटना में, किसी ने नहीं कहा था 113 कट ऑफ जाएगा। तो आपने छात्रों से सुना जिस तरह से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो लगातार मांग भी कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है इसको लेकर के वो साफ तौर पर कह रहे थे कि कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, जबकि इतने बड़े आयोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। पारदर्शिता तो सिर्फ एग्जाम में होती है, लेकिन अगर आप भी पैसे लेकर आते हैं तो आपको भी नौकरी दी जाएगी। बीपीएससी क्यों नहीं अपने गेट के सामने ही लगा देती है सब पोस्टों का अलग अलग रेट, ताकि जो है छात्र तैयारी ना करके जो योग्य छात्र हैं वो पैसे लेकर ही आए, योग्यता की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।